वीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khaled. हमेशा सबने देखा होगा कि सीक्रेट एजेंट वही होता है जो एक्शन करता है और जानकारी को सुरक्षित अपने हेडक्वार्टर्स पहुंचाता है। हो सकता है कि शुरू में टाइगर बहुत सीक्रेटिवली हमारे देश में घुसे और जानकारी इकट्ठा करे जिसकी किसी को कानो कान खबर ना हो, लेकिन जाबाज ऑफिसर कबीर को सब पता होता है, इसलिए वो उस जासूस को समझ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर से अपने रिपोर्टर कम जासूस के बारे में बात करें तो लोग उन्हें डिम बगलर के नाम से जानते हैं, लेकिन डिम उनका असली नाम नहीं है। ये तो उन्होंने सिर्फ अपना नाम रखा है जिससे वो अपने आर्टिकल्स पर हक जता सके। जिस सरकार के लिए डिम काम करते हैं उस सरकार का कोई भी इंसान उनके बारे में नहीं जानता। डिम एक लेटर और कुछ सबूत वाली फोटोज के साथ उसे हेडक्वार्टर्स पोस्ट कर देते हैं जहां से पढ़कर सरकार उसकी पुष्टि करती है और फिर उन्हें वो आगे एक्शन लेने के लिए भेज देती है। कई साल ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उनके बारे में किसी को पता चल गया कि वो कहाँ रहते हैं। सरकार जानना चाहती थी कि ऐसा कौन सा जासूस है जो उनका इतना वफादार है, तो उन्होंने एक जासूस को डिम के पीछे लगा दिया। जिस दिन डिम का पता चला उस दिन उनके देश के बड़े मिनिस्टर उनसे मिलने पहुंचे। पहले तो डिम ने मानने से इनकार कर दिया कि वो डिम है, लेकिन फिर उन्होंने मान लिया। जब मिनिस्टर ने उनसे पूछा कि आप कभी सामने क्यों नहीं आते, तो उन्होंने बोला कि वो लड़ाई नहीं करना चाहते और अपनी जान पर खतरा भी नहीं चाहते। जैसे ही मिनिस्टर वहां से उठे और जाने लगे, डिम ने उनसे कहा, आप मेरे राज को राजी रखिए। ये सुनकर मिनिस्टर चौंक गए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए।